सत श्री अकाल पंजाब पल्स के सारे जिहड़े श्रोते हैं उन्हां दा अज इस इंटरव्यू दे विच साडे वल्लों स्वागत है। साडे विच अज विशेष तौर पर कर्नल विवेक कुमार शर्मा जी साडे विच है, जिन्हां दा एक बड़ा आर्मी दे विच एक्सपीरियंस रहा। 32 साल के करीब इन्होंने सर्विस की है, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर पोस्टेड रहे, कारगिल च रहे, सोमालिया च भी रहे हैं और सिक्किम दे विच रहे हैं। और काउंटर इंसर्जेंसी इन्होंने बड़ा टैकल करने का एक बड़ा एक्सपीरियंस है। अज जो साढ़े विच जिस कारण अज असी इन्हों बुलाया, सद्दा दिता है, वह अजक असी अखबारों भी पढ़ रहे हैं। कल पंजाब सरकार ने भी एक अपना रेजोल्यूशन पास किया है, जोड़ा BSF का जो 50 किलोमीटर का जो रेडियस वध्या है उसू लैके पंजाब गवर्नमेंट ने निंदा प्रस्ताव पास किया। असी अज जानने की कोशिश करेंगे भी ये वास्तव जो BSF का जो 50 किलोमीटर जो रेजोल्यूशन पास किया है उसके पीछे बैकग्राउंड की है और है की है। तो विवेक जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सतेंद्र जी, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ तुसी मैनू मौका दिता अपने चैनल ते बोलन दा। और ए सतेंद्र जी जिहड़ा ए नेशनल सिक्योरिटी है ना, ए कोई भी कंट्री दी एक फर्स्ट ड्यूटी है। और अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नु असी बरकरार रखना है, अगर चाहने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री दी मेंटेन रहे, तो ए कड़ा नेशनल सिक्योरिटी है, ए रूट पासवर्ड है उस कॉन्स्टिट्यूशन का। जिहड़ा हुण ए रेजोल्यूशन पास किया असेंबली च, ए बहुत गलत काम किया। ए मेरे हिसाब नाल ए रेजोल्यूशन नोटिफिकेशन दे अगेंस्ट नहीं है। ए रेजोल्यूशन जिहड़े साडे बच्चे पंजाब दे हैगे, जिहड़े फौज च काम करदे है, पुलिस च काम करदे है, CRPF च काम करदे है, BSF च काम करदे और जनरली जिहड़े पंजाब दे लोग हैगे है उहनां दे अगेंस्ट ए रेजोल्यूशन पास किया। ए सिर्फ नोटिफिकेशन दे अगेंस्ट नहीं है। और सब तो वड्डी गल है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी उत्ते पॉलिटिक्स करनी है, तस बेस्ट पॉलिटिक्स है कि ये उत्ते कोई पॉलिटिक्स ना होवे। जेडी एक विवेक जी, मैं एक थोड़ा जिहा जानने की कोशिश करांगा तुहाडे तो, अपने जिहड़े लोकी देखणगे भी सानूं वाच करे उहनां दे भी जरूर। ए वास्तव दे विच जिहड़ा रेजोल्यूशन है जिहड़ा सरकार ने पास किया है 12 अक्टूबर नूं लैके आए है,2014 कितना नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये पूरे इंटायर स्टेट च BSF नू ज्यूरिडिक्शन दित्ती सी कि ऑपरेट कर सकती है। कड़ा गुजरात दा सीगा ये 80 किलोमीटर तक कर सकती सी, राजस्थान च 50 किलोमीटर तक, और पंजाब, असम और वेस्ट बंगाल च 15 किलोमीटर तक। मतलब एक मैं जी चीज समझ आ रही है इस दे विच, इट मीनस जिहड़ा मणिपुर का तुसी दस्या, मिजोरम का दस्या, त्रिपुरा का दस्या, नागालैंड का दस्या, मेघालय का दस्या, तो यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख दसी तुसी, इसका पूरा एरिया जिहड़ा सीगा वह BSF दे रेडियस च आंदा है। एक गल ठीक होगी, मतलब BSF दे रेडियस मतलब कि ज्यूरिडिक्शन च है, अगर ऑपरेट कर सकदी है, अगर कोई इन्हां नूं मिलदा है तां सीज कर सकदी है। किलोमीटर करता यही है सर। हाँ जी, पहले ए है कि 2021 च आके बाकी चीजा नहीं चेंज हुई, सिर्फ दो चीजा चेंज हुई है। केड़ा गुजरात का सी उन्होंने 80 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर करता, और केड़ा पंजाब, असाम, वेस्ट बंगाल सीगा इनू 15 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर ते करता। ते ये जिहड़ा 50 किलोमीटर जिहड़ा किता है हुण जिन्ना क मैं थोड़ा समझ पाया, क्योंकि जिहड़ा BSF है उन्होंने जिहड़ा एक्ट दे थले उन्होंने पावर हैगी है, इन्हां नूं 3 चीजा कर सकते हैं, जिदा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दे अधीन काम कर सकते हैं, पासपोर्ट एक्ट और पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट के थले काम कर सकते हैं। मतलब कि जिहड़ियां पावर विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ द एरिया ऑफ द पाकिस्तान
नार्को टेररिज्म वध गया, हुण किहड़ा अफगानिस्तान पाकिस्तान च हालात चेंज हो गए, अफगानिस्तान च तालिबान गवर्नमेंट आने तो बाद पाकिस्तान च दूजे कड़े रेडिकल एलीमेंट्स वध रहे है, हुण इन्हां दा सारिआं दा मतलब इक्को ही मुद्दा है कि किहड़ा अपना पंजाब है प्लस किहड़ा इंडिया भारत है उहनूं डीस्टेबलाइज करना। ओ तो बाद ओहदे नाल की होया कि हुण ड्रोन आण लग गईआं, ओहदे नाल ड्रोन्स नाल उहनां ने पहले ड्रग सप्लाई करदे सी, हुण वैपन भी आण लग गए, ओहदे नाल किहड़े अपने खालिस्तान एलीमेंट्स डोरमेंट सीगे पंजाब च हुण उहनां नूं एक्टिवेट करन दी कोशिश कीती जा रही कि चलो वैपन दे के उहनां नूं करो। और इह कोई जिन्ना भी पिछले 3 सालां च नैरोकेटिक्स पकड़िया गया, वैपन पकड़े गए, एमनिशन पकड़िया गया, वो सारा रिकॉर्ड हैगा। और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने उन्होंने पूरा होम मिनिस्टर नूं कीता सब दिता, उसनूं ये सारी जदों पूरा एक नेशन दे उत्ते थ्रेट हो जाए, अगर पंजाब का बॉर्डर ब्रीच हो रहा है तो मतलब कि एक देश का बॉर्डर ब्रीच हो रहा है, इनू रोकन लिए जरूरी सीगा कि 15 किलोमीटर तो एक्सटेंट वधाई जावे 50 किलोमीटर तक। जिहड़ा 15 किलोमीटर का रेडियस है ये बहुत छोटा है अपना कोई भी एडवर्सरी एलीमेंट्स नू दे अगेंस्ट ऑपरेट करन लई, तो इसलिए इनू वधाना बहुत जरूरी सीगा। और सब तो वड्डी गल कि जो भी पॉलिसी बन दी है नैशनल सिक्योरिटी दी, ए सुदन दे जी ए ते है नहीं कि आज दिल किता है डाउन मतलब कि अपनी थोड़ा जा किता था नैशनल सिक्योरिटी दी पॉलिसी चेंज कर दो, एदे उत्ते पूरा एक ड्राफ्ट बनता है, ओदे उत्ते किन्ने भी प्रोफेशनल्स है ब्यूरोक्रेट्स है जिन्ने भी हैगे ओ पूरा उनू स्टडी करदे है, उस च ऑप्शंस रखदे है, उस च वॉर गेमिंग हुंदी है, फिर एक फिर उस तो बाद जाके कितने रिकमेंडेशंस कैबिनेट नू जांदी है, ए नहीं कि एकदम ही एक दिन च दो दिन च नैशनल सिक्योरिटी, उस नाले पूरे हिंदुस्तान दी नैशनल सिक्योरिटी दे उत्ते किहड़ा नोटिफिकेशन है, सिर्फ कल्ले पंजाब दे नहीं है। मतलब कि थोड़ा कहन दा जिहड़ा भाव है जिहड़ा मैं समझ पाया, मेरे श्रोते भी समझण दी कोशिश करनगे, साडे इह जिहड़ा नैशनल इंटीग्रेशन लिए इह चीज जरूरी है। हाँ जी, नेशनल सिक्योरिटी प्लस इंटीग्रेशन, सिक्योरिटी होगी तो इंटीग्रेशन होगी। बिल्कुल ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਰਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਤਿਕਰਮਣ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਆ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ, ਕਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੜੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਲਟ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੰਸਲਟ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈ,
अपने एफिशिएंट है, काम बहुत चंगा करते हैं, लेकिन उन्हें यह है कि देखो पंजाब पुलिस कड़ी है, ये लिमिटेड है, 70,000 है, उन्होंने वीआईपी ड्यूटी भी करनी है, ट्रैफिक ड्यूटीज भी करनी है, इन्वेस्टिगेशन भी करनी है, क्राइम भी रोकना है, क्राइम तो बाद मुजरम ने फड़ना भी है, फिर डेली उन्होंने पता नहीं किन्ने बंदियां नू मीडिया दी कड़ियों सॉरी करेक्शन है अपने कड़े लोकी है उन्होंने मिलते हैं, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मतलब और ये तो अलावा ये सब तो अलावा रूटीन ड्यूटीज उन्होंने चल दिया रहती है, ट्रेनिंग पार्ट चलता रहता है, एक सेट ऑफ ट्रेनिंग गया दूजा आया, हुन वो कह रहे कि जी ए इंसल्ट टू पंजाब पुलिस है, इंसल्ट नहीं है वो, ए नोटिफिकेशन है, ए री इनफोर्समेंट टू पंजाब पुलिस है, क्योंकि बीएसएफ को इक्विपमेंट भी है, बंदे भी है, और आपस में दो ऑर्गेनाइजेशन इंटेलिजेंस शेयर करके ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकती है, ये नहीं कि और नाले पंजाब पुलिस की कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं खत्म हो रही है, कल नू कोई अगर बंदा फड़िया भी जाता है तो फाइनली पुलिस में ही हैंड ओवर होगा, एफ आई आर पुलिस ही लॉन्च करूंगी, ये सिर्फ बूस्टअप हो रहा है दो ऑर्गेनाइजेशन नू ताकि नेशनल सिक्योरिटी के उत्ते काम किया जा सके। और जिहड़ा और दूजा मैं कवर करना चाहना जिहड़ा उन्होंने कहा कि फेडरल सिस्टम दे उत्ते अटैक है और 50% बीएसएफ चले जाऊगा, ये एक लोकां नू भ्रम कर रही है सरकार, ये मतलब कि एकदम प्यो जी बयानबाजी नाल नुकसान किदा हो रहा है पंजाब दा हो रहा है, क्यों एक एंटी सेंटर दे अगेंस्ट एक हवा भड़काना चाहते हैं अपने सियासत नू पूरा करन ली, और उना दी ऑर्गेनाइजेशंस दे नाल खेल रही है जिदा लश्करे तैयबा हो गया, खालिस्तान कमांडो फोर्स हो गया, हरकतुल मुजाहिदीन हो गया, बब्बर खालसा, जैश ए मोहम्मद, और लिस्ट बहुत लंबी है जिन्हों का मेन मकसद ही यही हुआ है कि डिस्टेबलाइज करना, और ये रेजोल्यूशन पास करके तुम उन्होंने सपोर्ट कर रहे हो, जो ड्रग माफिया है, जो ड्रग माफिया ऑपरेट करना चाहते हो उन्होंने कह रहे हैं जी 15 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर कि उन्होंने सपोर्ट कर रहे हो पंजाब के। हाँ जी मैं समझ तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने चन्नी गवर्नमेंट ने जो रेजोल्यूशन पास किया है वो सीधा का सीधा आतंकवादियों की मदद है, ड्रग्स पैडलर की मदद है, उस करके किया गया सारा कुछ, ऐसा अपना भाव आता था। देखो करता रहे सियासत, लेकिन इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली किनू फायदा हो रहा है इस रेजोल्यूशन का, वो देखो ना, मतलब कि करता अपने पर्सनल इंटरेस्ट लिए कर रहे कि जी एंटी सेंटर फीलिंग ले आने ली, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी या तो इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के बारे उन्ना सोचा नहीं, इन्होंने इन्होंने उस विषय से इन्होंने ध्यान ही नहीं दिता, नहीं तो अपने पंजाब के हरेक परिवार चो जी कोई ना कोई फौज च है, पुलिस च है, बीएसएफ च है, अगर किन्ने भी नेता है उन्होंने भी पक्का परिवार च होंगे, अगर 5 मिनट अपने परिवार कोई भी जिन्हें यूनिफॉर्म पाई है उसके साथ 5 मिनट भी गल कर लेंगे तो वो उन्होंने दस देंगे कि कड़ी रेजोल्यूशन तुम ले आ रहे हो, इस साढ़े अगेंस्ट ले आ रहे हो, तुम अपनी सियासत तो कर रहे हो लेकिन नुकसान सानू होगा। तो मतलब कि जिहड़ा पंजाब दे विच इन्ना तबका साडा जिहड़ा फौजी है रहा है, फौजी किसी ना किसी तरह आप कह सकते आर्मी नाल जुड़िया हुआ है, एयरफोर्स नाल जुड़िया हुआ है, या कितने कितने कुछ परसेंटेज घट परसेंट नेवी नाल भी जुड़ी हुई है जिहड़ी साडी फोर्स है, आपां नूं लगदा वी असीं उन्हां दा भी अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल जी 100% ओही है, किहड़ा पंजाब पुलिस किहड़ा भी जिन्हें यूनिफॉर्म पाई है, जिहड़ा सरहदां च काम कर रहा है, जिहड़ा इंटरनल सिक्योरिटी च काम कर रहा है, तुसीं ओहदी बाहां तुसीं वढ रहे हो, ये चीज देखो कि मतलब अपनी सियासत लिए तुसीं किहड़ी इक उहनां नूं ऑपरेट करन दा रोक रहे हो, उहनां दी तुसीं मतलब फायदा किहदा हो रहा है, फायदा तो एंटी नेशनल एलीमेंट्स का हो रहा है, और तुसीं थोड़ी सियासत इदां तां नहीं कामयाब हो सकती अगर तुसीं नेशनल सिक्योरिटी दे अगेंस्ट जाओगे। अज विवेक जी ने साडे विच अपनी गल बड़ी बेबाकी नाल रखी है, और मैनूं लगदा वी पंजाब पुलिस दे जिहड़े श्रोते है उन्होंने भी ये गल जब सुनेंगे तो अपना मन बनाएंगे इस विषय के लिए। विवेक जी तुसी साडे विच आए, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुहानू फिर किसी ना किसी मौके पर असीं तुहानू सदा दिंदा रहेंगे, तुसी साडे नाल जुड़ते रहियो, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, सारे पंजाब पल्स के श्रोता का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेहरबानी सतिंदर जी, जय हिंद, थैंक यू।